डूज एंड डोंट्स ऑफ चेन क्लीनिंग एंड ल्यूबिंग एक्सप्लेन इन 2 मिनट्स। तमारा चेनना टाइप प्रमाणे क्लीनर अने ल्युब्रिकेंट यूज करू। मारी बाइक में ओ रिंग टाइप नी चेन छे। तमारी चेन कई टाइप नी छे ए तमारा ओनर्स मेन्युअल में आपेल होय छे। चेन ने साफ करवा माटे कपड़ू अथवा तो आ प्रकारना ब्रश नो यूज करी सको छो। कोई तार वाला ब्रश नो उपयोग न करवो। आ ब्रश ने खरीदवानी एमेजोन नी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपी दीधी छे। ऑफकोर्स चेन साफ करशो एटले आजूबाजू खराब तो थशे ज, सो नीचे कार्पेट अथवा तो कोई कपड़ू राखी सको। डोंट्स एटले के शू नहीं करो। पहली वस्तु तो तमारे बाइक में चावी काढ़ी लेवानी छे, कारण के बाइक ने चालू करवानुं नथी आवतो। आखी प्रोसेस दरमियान इट इज टेम्पटिंग के तमे बाइक ने चालू करो, बट जो बाइक ने चालू करशो तो आंगळी स्प्रॉकेट में आवी जशे अने पछी कंसिक्वेंसीस बहु खराब होय छे। चेन ने साफ करती वक्त पाछला व्हील ने रिवर्स डायरेक्शन में एट्ले के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेरवानुं छे। जो आग फेरवशो एट्ले के एंटी क्लॉकवाइज फेरवशो तो आंगळी चेन ने साफ करती करती स्प्रॉकेट में घुसी जशे। બધું ખતમ કર્યા પછી જ્યારે હું એક દિવસ પછી રાઈડ લીધી મેં બાઇકની, તો બાઇકની એન્જિન લાઇટ ઓન થઈ ગઈ હતી. ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ધીસ ચેઇન ક્લીનિંગ એન્ડ લ્યુબિંગ. બહુ સિરિયસ ઇશ્યુ નહોતો, બટ હું તમને આ વિશે ડિટેલ આગલા વિડીયોમાં કહીશ, બિકોઝ આ વિડીયો ઓફકોર્સ બહુ મોટો થઈ જશે. પેટ્રોલ અથવા તો સ્ટીમ એટલે કે વરાળ અથવા તો કોઈ હાઈ પ્રેશર સિસ્ટમનો ઉપયોગ નથી કરવાનો ચેઇનને સાફ કરવા માટે. ચેઇન સાફ કર્યા પછી જ્યારે લુબ્રિકેન્ટ લગાવશો તો લુબ્રિકેન્ટ બહુ ચીપચીપી વસ્તુ છે, આજુબાજુ બધી ચોટી જશે, તો એ લુબ્રિકેન્ટ લગાડવાની મેથડ તમને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કહીશ.